दोस्तों एक्सेल शीट में देखिए हमारे पास एक छोटा सा यहाँ पर डेटा है। इस डेटा में कहा गया कि यहाँ पर सीरियल नंबर लगा दीजिए। तो चलिए भैया हम यहाँ पर सीरियल नंबर लगा देते हैं। 102 लिख करके हम यहाँ से इसको ड्रैग कर लेते हैं तो हमारे ये सीरियल नंबर लग गया। सीरियल नंबर लग जाने के बाद अब कहा गया कि इस डेटा में आपको फिल्टर बटन लगाना है। तो चलिए फिल्टर बटन लगा देते हैं। किसी भी एक फील्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल की को प्रेस करते हैं तो हमारा फिल्टर बटन भी लग गया। अब क्या है कि किसी भी डेटा को अगर हम यहाँ से फिल्टर करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड नाम का जो हमारा स्टॉक आइटम है इसको अगर हम फिल्टर करते हैं तो हमारा स्टॉक आइटम देखिए यहाँ पर फिल्टर होकर के तो आ गया, लेकिन यहाँ पर गौर कीजिएगा आपको जो सीरियल नंबर है इसका देखिए पूरा टेंगरी हाथ टूट चुका है। यहाँ पर सीरियल नंबर आपका जो 123 है ये 123 नहीं रह करके 2479 हो चुका है। इसी प्रकार से अगर किसी दूसरे स्टॉक आइटम को अगर हम फिल्टर करते हैं यहाँ से, चलिए इस बार ले लेते हैं रैम। तो रैम को हम फिल्टर करते हैं तो देखिए रैम फिल्टर करने पर भी यहाँ पर सीरियल नंबर हमारा जो है पूरा गड़बड़ा चुका है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा सीरियल नंबर ना गड़बड़ाए अगर आप किसी डेटा को फिल्टर करते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से फिल्टर को हटा देते हैं। फिल्टर को हटाने के लिए फिर से कंट्रोल शिफ्ट और एल की को प्रेस करेंगे, हमारा फिल्टर हट जाएगा और इस सीरियल नंबर को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इस सेल को कर लेते हैं सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे सब टोटल का, इसके लिए इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टाइप करके सब टोटल। सब टोटल टाइप करके लिखने के बाद छोटी ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ से ले लेंगे हम 3 नंबर। तो यहाँ पे जो 3 नंबर में हमारा जो काउंट है एक का जो ऑप्शन दिख रहा है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कोमा लगाएंगे और इसी सेल का रेफरेंस नंबर यहाँ पे डाल देंगे I5, और I5 से लेकर के I5 ही, यानी इसी सेल से इसी सेल तक का रेफरेंस यहाँ पर दे देंगे। और इस वाले रेफरेंस को जो पहला हमारा रेफरेंस है इसको कर देंगे हम लोग फिक्स। तो F4 दबा करके इसको कर देते हैं फिक्स और ब्रैकेट को कर देंगे बंद और एंटर की को करेंगे प्रेस। तो देखिए हमारा नंबर यहाँ पर 1 आ गया। अब इसके बाद इसको ड्रैग कर लेते हैं तो देखिए हमारा सीरियल नंबर यहाँ पे आ गया। अब चलिए फिर से लगाते हैं फिल्टर, कंट्रोल शिफ्ट और एल को प्रेस करते हैं, फिल्टर लग गया। फिल्टर लगने के बाद अब इस डेटा को फिल्टर करते हैं। तो चलिए इस बार फिर से हम लोग कीबोर्ड को फिल्टर करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। तो गौर कीजिएगा इस बार हमारा जो सीरियल नंबर है ये 1 2 3 4 5 ही रह गया। तो चलिए देखते हैं दूसरा स्टॉक आइटम को भी फिल्टर करके देख लेते हैं। तो चलिए इस बार माउस को सिलेक्ट कर लेते हैं, माउस को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करते हैं। देखिए हमारे माउस वाला डेटा जो फिल्टर होकर के यहाँ पे आ गया और उसके साथ हमारा जो सीरियल नंबर था वो भी सही सही आया है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो इंडेक्सिंग करना सीखा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को लेगा सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो हमेशा देखने को मिलता रहे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।